बीजेपी ने भले ही टिकट करण भूषण सिंह को दिया, योगी ने भले ही मन से ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम ना लिया हो, लेकिन कैसरगंज के चुनावी दंगल में पर्दे के पीछे मेन प्लेयर ब्रिजभूषण ही हैं। कैसरगंज के सियासी अखाड़े में ब्रिजभूषण शरण सिंह विरोधियों को पटखनी देने की हैट्रिक लगा चुके हैं और इस बार चुनावी मैदान में उनका बेटा करण भूषण सिंह है। करण भूषण सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा और बसपा के नरेंद्र पांडे से है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह चुनावी तैयारियों में अपने विरोधियों से काफी आगे हैं। सपा और बसपा प्रत्याशी जब टिकट के ऐलान का इंतजार कर रहे थे, तब तक ब्रिजभूषण कई दर्जन छोटी छोटी सभाएं कर चुके थे। वो मंच से खुल्लम खुल्ला अपने विरोधियों को ललकार रहे हैं, यौन शोषण के आरोपों को साजिश बता रहे हैं। करण भूषण सिंह का जीतना तय है, लेकिन अगर आप भारी मतों से जिताते हैं तो तमाचा होगा उन लोगों के ऊपर जो लोग यहां से 500 किलोमीटर दूर बैठे हुए ब्रिजभूषण सिंह के बर्बादी का नजारा देखना चाहते हैं। ये तमाचा होगा, जीत तमाचा नहीं होगी। 287,000 से हम लोग जीते थे, 125 साल से हम संघर्ष को झेल रहे हैं और उसका जवाब हम उनको देंगे, उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। लेकिन अगर 5 लाख वोट से आप जीतते हैं या ज्यादा वोट से जीतते हैं तो तमाचा सीधे यहां से निकलेगा और उनके कान पर पड़ेगा। निशानेबाजी के शौकीन करण भूषण सिंह सियासत में सटीक निशाना साधते दिख रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन में सबसे ज्यादा जिक्र अपने पिता का कर रहे हैं, सेंटीमेंट को अपनी ओर मोड़ रहे हैं।